हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल बीटी व्लॉग्स। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल बीटी व्लॉग्स में। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, फिट फाट होंगे। आज हम लोग नौसा आए हुए हैं सहेल सर के फार्म पर। सहेल सर काफ़ी पढ़े लिखे इंसान हैं, इन्होंने ट्रिपल एमए किया हुआ है और साथ ही साथ ये गोट का शौक़ रखते हैं। आइए इनका फार्म देखते हैं, फार्म टूर करते हैं और इनकी बकरियों के बारे में जानते हैं। तो बने रहिए इस वीडियो के साथ, इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। सर, इनमें कौन से जानवर हैं आपके? इनमें कौन से जानवर? ये सब ब्लैक बंगाल का बच्चा है, सब खस्सी है, इस साल कुर्बानी हो जाएगा। अच्छा, लेकिन ये खस्सी था कि दूसरे के यहाँ रहता तो नहीं संभाल पाता। अच्छा, लेकिन क्योंकि हमारे पास जो खिलाने का फार्मूला है इतना ज़्यादा है कि खस्सी को हमने संभाल लिया और इसको पिछले साल PPR और FMD वगैरह का शिकायत हो गई थी। किसको सर? इसको भी हो गया था, इसके साथ और बच्चे ब्राउन वाले को। हाँ, सबको, लाल वाले को, काले वाले को, सबको हो गया था। उसमें से ये तीन खस्सी मेरा बच गया था। इसका ग्रोथ नहीं हो रहा था। चार पाँच महीना पहले इसका हार्डली इसमें गोश्त था, 7 से 8 किलो गोश्त था। अच्छा, तो जो मेरा फार्मूला खिलाने का है तो उसी को थोड़ा बढ़ा के खिला दिया। अच्छा, खिलाया तो 5-6 महीने के अंदर का ये है कि ये लाल बड़ा वाला भी 18-19 किलो गोश्त वाला खस्सी है वो। और वो काला वाला लगभग 14-15 किलो है, ये लगभग 10-11 किलो का है। और न तो वरना ये तो और एकदम छोटा था, इसमें लगता कि 5 किलो का गोश्त का था। लेकिन इसे 4 से 5 महीने में वो जो हम अपना चारा देते हैं जी, उस चारे का ये कमाल है इनका। तो वजन उठा लिया? वजन उठा लिया। वजन तो अगर इसको ये नहीं हुआ था ना, क्या ना? बीमार नहीं पड़ता? हाँ, बीमार पिछले बार नहीं पड़ता। बात सही है कि जिसको PPR या FMD हो जाता है वो जानवर ग्रोथ नहीं कर पाता है, बिल्कुल नहीं कर पाता है। हम भी इस बात को मानते हैं, लेकिन हम चूँकि बकरीद के लिए रखे हुए थे, हम लोग देखते हैं बकरीद तक जैसा होगा होगा, नहीं होगा तो बाजार से खरीदना पड़ेगा, इसलिए मर गया है इतना। लेकिन इसको हमने संभाल लिया। अगर इसको FMD PPR नहीं होता तो मेरा कोई खस्सी 40 किलो से नीचे का नहीं। ये छोटा वाला खस्सी मिनिमम होता तो जिंदा वेट 40 किलो होता, और लाल वाला खस्सी आपके कम से कम होता तो 55 kg का होता, और ये जो है काला वाला है कम से कम 47-48 kg का जिंदा वेट होता। और पिछले बार हुआ था मेरा कोई भी खस्सी 44-45 किलो से नीचे, ब्लैक बंगाल खस्सी नहीं होता है। अच्छा, आपने वज़न कराया था सर? वज़न कर तो वो जो आदमी को नापने वाला हो, हाँ, उसी में अपना वज़न कर लेते हैं। अच्छा, उसको हाँ, उसको गोदी में उठा लेते हैं। अच्छा, गोदी में उठा के देख लेते हैं कितना एक्स्ट्रा वजन हुआ। ये भी सही टेक्निक है सर। वही करते हैं, बड़ी वाली मशीन है। बेचना उचना मेरा काम नहीं ना है कि बेचने है तो हम बड़ी वाली मशीन मंगाएंगे। हाँ, और उससे वेट उठ कराएंगे ना, हमको बेचते हैं ना वजन किलो से हमको कुछ लेना देना भी नहीं है। तो लेकिन उससे हम ऐसे एक अंदाज वो घर से ले आते हैं, लाके अंदाज में 15-20 दिन पर चेक कर लेते हैं कि इसका वजन घटा तो नहीं है। अच्छा, तो अगर वजन घटा है तो फिर देखना पड़ेगा क्यों वजन घट रहा है। हाँ, खिला रहे हैं पिला रहे हैं, क्यों वजन घट रहा है, इसलिए हर 15-20 रोज पर वो लाते हैं। अच्छा, तो वो भी खस्सी मेरा जो है, जो भी पहले जो ब्लैक बंगाल करता था, कोई 45 kg, कोई 46 kg, कोई 48 kg का जिंदा वेट का होता था। जबकि ब्लैक बंगाल के मुताबिक लोग कहते हैं कि 25 किलो से ज़्यादा नहीं होता है। तो हम तो सब लोग खुलेआम चैलेंज करते हैं कि मेरा क्या, एक अभी साहब हमसे बहस कर रहे थे कि आप गलत बोल रहे हैं कि ब्लैक बंगाल इतना दूध करती है वो करती है। हम बोला ठीक है, आप चैलेंज एक्सेप्ट कर लीजिए, और हमने चैलेंज किया, आप चैलेंज एक्सेप्ट कर लिए। मेरी जो ब्लैक बंगाल बकरी 1 किलो दूध करती है, आप खुद से आइए और आके सवेरे उसको बच्चे को पिला के दूध लीजिए। लेकिन उसके लिए जब चैलेंज एक्सेप्ट कर वाली बात है तो आप 50,000 रुपया जमा कर दीजिए। अगर 1 किलो से जो है 50 ml भी दूध कम हो गया तो हम आपको 1.5 लाख की पूरी बकरी खस्सी दे देंगे, और नहीं अगर 1 किलो से ज़्यादा या 1 किलो दूध हो गया तो आप 50,000 का हम आपका रख लेंगे। उसके बाद जो भागें, जिस तरह से गधे या कुत्ते के सर से सींग गायब हो जाता है उसी तरह से वो भी गायब हो गया। सर तो बहुत बड़ा चैलेंज कर दिया आपने। हाँ, मेरा खुलेआम चैलेंज रहता है। वो कितने वीडियो वाले आए हैं, यूट्यूबर्स आए हैं, हमें क्या अगर किसी को शक है तो वो चैलेंज के साथ आए, हम चैलेंज हम उनको बकरी का उन्हीं के हवाले कर देंगे बकरी।
और पांच बच्चे वाली जो बात है उन्हीं के सामने हम खोल देंगे, बच्चा खुद ब खुद माँ के पास चला जाएगा, दूध पिएगा। इसलिए कि कोई बकरी जो है ना दूसरे के बच्चे को दूध नहीं पिलाएगी। हाँ, ये बात तो है। हाँ, तो हम खोल के छोड़ देंगे दूध, वो बच्चा दूध पी लेगा और जानदाज करके बच्चा अंदाज से दूध पी लिया, उसके बाद दूध दूध लीजिए, देख लीजिए एक लीटर से कम नहीं होगा। तो वही है कि लोग झूठ मूठ का जो ट्रेडर्स लोग हैं, चोर बेईमान टाइप के ट्रेडर्स, देखिए क्या होता है, हर आदमी अपने एरिया का सपोर्ट करता है, कुछ कमी भी होती है तो उसकी अच्छाई को बयान किया जाता है। लेकिन बिहार में कुछ दलाल टाइप के जो बरबरी ट्रेडर्स के दलाल हैं और वो सिर्फ एजेंट हैं उनके। अच्छा। तो बकरी फार्म उनका है नहीं, जो यूट्यूब पर लाते हैं तो बकरी फार्म का है नहीं, ट्रेडर्स उनके यहाँ खासी बकरी वहाँ से ला देते हैं यूपी से, और यूपी से ला के उनको दे देते हैं, और झूठ बोल बोल के बिहार के लोग को ठगते हैं, बरबरी को 15,000, 20,000, 25,000 में, जबकि वहाँ से वो 3,000, 4,000 में लाते हैं। उनकी वो भी बरबरी जंगली ही रहती है, जिस तरह से ब्लैक बंगाल बहुत सी जंगली होती है, बिल्कुल देसी होती है, देहाती होती है, इनब्रीडिंग की शिकार होती है, तो उसी तरह से वो भी होती है, उसमें भी बहुत सी बरबरी आपके जो है ना घर लाइएगा तो आधा किलो भी दूध नहीं करेगी बच्चे के लिए, और कोई बरबरी भी अच्छी भी बकरी होती है, लेकिन वो उत्तर प्रदेश के लिए बहुत अच्छी बकरी है। जिस तरह से ब्लैक बंगाल जो है बिहार यूपी के झारखंड के लिए बहुत अच्छी है, तो वो यूपी के लिए बरबरी बहुत, लेकिन यूपी से बाहर के लिए बेहतर नहीं है। बकरी जो है मौसम को एडजस्ट जल्दी नहीं करती है, बहुत प्रॉब्लम होता है, और उसमें वही है कि लोग जो बाहर से लाते हैं तो उनके बकरी मर जाती है, यहाँ का मौसम सूट ही नहीं कर पाती है। तो ये ब्लैक बंगाल है यहाँ की लोकल, ब्लैक बंगाल ठीक है इन ब्रीडिंग की वजह से बहुत ख़राब हो गई, लेकिन ब्लैक बंगाल अच्छी भी मिलती है, और इतनी अच्छी मिलती है जो किसी भी आपके बरबरी वगैरह से भी अच्छी होती है, बच्चा भी अच्छा। खस्सी मेरा देख रहे भाई को? हाँ सर, देख रहे हैं हम खस्सी, हम आपको बाहर ही निकाल के दिखा रहे। चलिए अंदर चलते हैं सर। आ जाइए अंदर, आ जाइए अंदर चलते हैं। आ जाइए, बंद कर लीजिए सर, आ जाओ। सर का बच्चा दिखाते हैं आप लोग को। सर आप ब्रीडर कौन सा इस्तेमाल करते हैं? सर ब्रीडर लोकल ही ब्लैक बंगाल के लिए, ब्लैक बंगाल ही, तो हम खोज पता चलाते रहते हैं, तो कहीं दूर देहात वगैरह में सुनते हैं कि फलां जगह अच्छा बड़ा ब्रीडर है। अच्छा। तो कहाँ कार से वहीं ले जाते हैं, वहीं ले जाके क्रॉस कराते हैं, उसी से बच्चा निकालते हैं। काफी अच्छा तैयार हुआ सर आपका खसी। हाँ वो तो खैर बीमार था, नहीं तो और शानदार होता है, बेहतरीन होता है। और ये जो ब्लैक वाला ब्लैक बंगाल है ना, कितना वजन होगा मुस्तफा? 15-14 किलो इसकी माँ भी यही होगी? एक ही ना माँ है, बाकी तो माँ नहीं है। हाँ ये बात तो है। एक मेहनत रहेगी किसी और से। अच्छा, उसको इनब्रीडिंग नहीं करेंगे। हाँ। इनब्रीडिंग की भूल कभी नहीं करेंगे। आपको कितना लगता है कि ये वजन कितना पकड़ेगा अपने जवान होते तक, ये चार दांत तक? मिनिमम 70 kg, मिनिमम 70 kg पहुंच जाएगा। 70 kg, जिस तरह से ये बढ़ रहा है, जिस तरीके से। हालांकि लोग कहेंगे कि ब्लैक बंगाल जो है इतना झूठ बोलते हैं, ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, जब ये 2.5 महीने का बच्चा 14-15 kg हो सकता है, तो ये जब 1.5 साल का होगा तो 60-70 kg। जो हम खाना खिलाते हाँ। हैं, जो हम स्पेशल इसको डाइट देते हैं, फीड देते हैं, उसके बुनियाद पर हम कह सकते हैं कि 60-70 kg का होगा आराम से सर। और ये ब्राउन वाला भी काफी अच्छा है सर, उसी का भाई है, उसी का भाई है। ब्लैक भाई, ब्लैक ब्राउन और कौन कौन सा है? वो दोनों एक बकरी का है। अच्छा। और ये पांच बच्चा देखिए, कुछ उधर है, ये वाला है, ये वाला है, ये वाला है। एक बार फिर से बता दें सर। देखिए ये है, ये है, ये है, एक और अंदर में है। अच्छा। तो उसमें से और जो है लोग जबरदस्ती ब्रीडर के लिए ले गए हैं, उसको ब्रीडर के लिए ले गए हैं। और इसका भी जो था ना, ये आपके मेरे पास एक बरबरी बकरी थी, लेकिन इतनी परेशान की थी, इतनी तंग की थी कि एक अपने काम करने वाली उसको दे दिया था। अच्छा। तो वहाँ जो है क्रॉस हुई थी आपके कोटा से। अच्छा। तो इसकी माँ जो है वो कोटा की, तो उसी का ये बच्चा है। ओ। तो दो बच्चा था, एक साहब जबरदस्ती आए देखने के लिए, गोदी में बोलेंगे ना हम छोड़ के नहीं करेंगे, ले जाएंगे, और ले गए उठा के।
अब बहुत नजदीक के लोग आते हैं तो। ब्रीडर के लिए ले गए तो 4 बच्चे यहाँ से ब्रीडर के लिए निकल चुका है। अच्छा, इसलिए हम जल्दी से क्या किया है कि सबको खस्सी करा दिया कि अब कोई ब्रीडर कोई के लिए मेरे पास आए ही ना ना तो इतना ना ब्रीडर, अब पाठी का इतना डिमांड है हमारे पास कि हम 50 ये हम समझते हैं कि 3 साल या 4 साल तक हम पूरा नहीं कर पाएंगे। लगभग 50-60 लोगों का डिमांड है कि पाठी आप अपने यहाँ का दीजिएगा। अच्छा, और मेरी बकरी में ये है कि एक भी पचास जिसमें एक भी पाठी नहीं है, सब खस्सी, सब खस्सी, टोटल खस्सी, 12 बच्चा हुआ था, टोटल का टोटल खस्सी। सर ये ब्राउन वाला तो लग रहा है कि बोर की तरह लग रहा है, इसका कलर जो पैटर्न है ये सर। अच्छा, ये और ये दोनों है तो ही कोटा ही है कोटा, लेकिन ये कलर पैटर्न बोर का लग रहा है। और ये जो है इसका जो अजमेरा होता है ना, तो हाँ जी उसी टाइप का है, तो इसका क्रॉस रहा होगा, कोई बोतल का क्रॉस हुआ होगा। अच्छा, तो ये तो मेरा सोजत जो बकरी है मेरी, ये सोजत का बच्चा है। अच्छा, ये सोजत का बच्चा है, और ये वो बकरी का जो है क्रॉस जो था कोटा का जी, इसका ये बच्चा है। तो इतना जल्दी जल्दी लोग आके ब्रीडर के लिए जबरदस्त एकदम ले जा रहे थे, और आपस के लोग हैं, तालुकात के लोग हैं, कोई हाथ में उठाए हुए गोदी तो मना भी नहीं कर सकता आदमी। तो ऐसा जो है किसी कोई को हमने फ्री दे दिया, हम लोग जाइए ठीक है ले जाइए। अच्छा, तो लोग बिजनेस करते हैं, हमने कई ऐसा हुआ कि फ्री दे दिया है। बकरी के दूध में हम चाहें तो इस बकरी से 25-30 हज़ार रुपये महीना कमा सकते हैं। अच्छा, इत्मीनान से, इसलिए कि यहाँ जो है हमारे एरिया में जी बकरी का दूध जब ये होता है, आपके डेंगू का सीजन चलता है, फिर डेंगू होगा, बरसात आ गया, 1500 रुपये लीटर से नीचे दूध खोजने से नहीं मिलता है। 1500 रुपये लीटर सर, 1500 रुपये लीटर, 250 रुपये लोग जो है ना, कोई पौवा देते हैं, कोई कुछ करते हैं, कोई 300 पौवा करते हैं, कोई चाय, कप से 250 रुपया देते हैं, कप से। हमने भी खरीदा है सर, ये अभी डेंगू जब हुआ था तो इतना छोटा सा कप था और बस उसका उसका लगभग 250-300 रुपया लग रहा था। यहाँ भी लोग लेते हैं 250-300 रुपया कप लेते हैं, कोई अच्छे रामदीन टाइप के हैं सर, तो हम वही करते हैं कि सबको 200 ml 250 ml ऐसे फ्री ऑफ कॉस्ट दे देते हैं, लोग पैसा भी दे देते हैं, तो हम बोलते हैं कि मेरी औकात इतनी नहीं गिरी है कि हम एक पाव दूध आप लोगों से पैसा लेंगे, वो भी मजबूरी में, वो भी मजबूरी के हालत में। हाँ, तो हम अगर जितनी मेरी बकरी दूध करती है ना, आप उसी को जोड़ लीजिए कि अगर हम 1 किलो भी दूध जो है डेली बेच देते हैं, 1 किलो, जबकि 4 बकरी है मेरी जी, और सबका मिला के अगर 1 लीटर भी हम दूध डेली बेच देते हैं, तो आप 1500 के हिसाब से हिसाब रख लीजिए। अगर हम 1000 के हिसाब से भी महीने डेली बेचेंगे तो 30,000 रुपया महीना मेरे हो जाएगा। हाँ सही बोल रहे हैं सर, लेकिन हम बिजनेस नहीं करते हैं, हम बिजनेस के लिए, हाँ वो लोग जो है बकरी व्यापारी हैं उनके लिए तो बाप रे जन्नत हो जाएगा जी सर, वो तो सोचेंगे कि बस हम बकरी लाएं और दूध को बेचें और उसी से कमाई करें जी। तो मेरा तो ये शौक सिर्फ है, घर में बकरी का खस्सी हो जाता है बस, बाजार में खस्सी सस्ता है कि बाजार में खस्सी महंगा है क्या है, उससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता, और खिलाते पिलाते हैं जितना के, हाँ ये है कि जितना खिलाते पिलाते हैं उस लिहाज से हमको खस्सी का उस लिहाज से रिजल्ट भी मिलता है, इस साल का छोड़ के। अगर इंशाल्लाह ये सब सही सलामत रहा और हम भी बखैर खूबी रहे, तो आइंदा साल बकरीद में आइएगा तो खस्सी का, हाँ सर जरूर शूट करेंगे हम लोग, उस वक्त देखिएगा कि 40-45 किलो से नीचे का कोई खस्सी एक नहीं होगा।